तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टेक अपडेट के बारे में, कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जो कि लॉन्च होने वाले हैं, और हाँ एक ऐसा स्मार्टफोन भी है जो कि लॉन्च हो चुका है, 5G स्मार्टफोन है और बजट सेगमेंट में हमको मिलता है। तो चलो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को बीच बीच में इस तरह की अपडेट वाली वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो, और इस वीडियो को आप लोग लाइक भी जरूर से कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा यार सैमसंग के बारे में, और इसका एक 5G स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में हमको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम होगा Samsung Galaxy A42। और ये जो स्मार्टफोन है यार 3C सर्टिफिकेशन को लिस्टेड हुआ है, वहां से हमको पता चला है कि यहां पे हमको 4860 mAh की बैटरी और 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इसके अलावा भी यहां पे पता नहीं चला है कि बाकी सारी चीजें बेसिकली क्या-क्या मिलेंगी, केवल इतनी ही बातें हमको पता चली है। लेकिन ये स्मार्टफोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर भी लिस्टेड हो चुका है, यानी कि बहुत जल्दी इंडिया में ये स्मार्टफोन हमको Samsung की तरफ से मिलेगा, यानी कि बजट सेगमेंट में जो 5G स्मार्टफोन है वहां पे अब Samsung का नाम भी जुड़ने वाला है। अब यहां पे बात करते हैं Oppo के बारे में, और Oppo का एक बजट सेगमेंट या फिर कहूं कि मिड रेंज सेगमेंट का एक 5G स्मार्टफोन यहां पे लॉन्च हो चुका है। लेकिन पहले ही आपको बता दूं, ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर भी लॉन्च हुआ है और इसका नाम है Oppo A72। यहां पे हमको MediaTek का Dimensity 720 का चिपसेट मिलता है, साथ ही 6.5 इंच की पंच होल वाली एक IPS डिस्प्ले यहां पे मिलती है। ट्रिपल कैमरा बैक साइड में मिलते हैं 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी यहां पे मिलती है, साथ ही 4000 mAh की बैटरी यहां पे मिल जाती है, और इसको जो प्राइस है वो लगभग 20000 आसपास है, जो कि यहां पे 8GB प्लस 128GB वेरिएंट के साथ में आता है। अब Oppo के जो A सीरीज है यार वो हमको इंडिया में भी मिलती है, लेकिन अभी इसके बारे में पता नहीं है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा या फिर नहीं, लेकिन अगर आता है तो आप में से क्या कोई इस फोन को परचेस करेगा कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। वैसे प्रोसेसर तो चलो यहां पे बढ़िया है, लेकिन उसके बाद यार यहां पे कैमरा वगैरह या बाकी सारी चीजें उतनी यहां पे इंप्रेसिव मुझे यहां पे नहीं लगी हैं। अब यहां पे बात करते हैं फिर से Samsung के बारे में, तो Samsung का एक और नया स्मार्टफोन हमको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, जिसका नाम होगा Samsung Galaxy M51। अब ये जो स्मार्टफोन है कुछ जगह लिस्टेड हुआ था और वहां से हमको पता चला है कि यहां पे हमको Qualcomm का प्रोसेसर मिलेगा, और इस टाइम पे बताया जा रहा है कि Qualcomm Snapdragon 675 हमको यहां पे मिल सकता है। साथ ही जो कैमरा है वो हमको क्वाड कैमरा बैक में मिलेंगे, जो प्राइमरी सेंसर है वो हमको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, और सेकेंडरी कैमरा यहां पे 12 मेगापिक्सल का जो कि एक अल्ट्रावाइड सेंसर हो सकता है, और बाकी के दो कैमरे 5-5 मेगापिक्सल के। बाकी इस फोन के बारे में अभी कुछ और डिटेल यहां पे निकल के सामने नहीं आई है। वैसे अगर ये स्मार्टफोन यार ऑनलाइन लॉन्च होता है तो प्राइस इस फोन की काफी अच्छी हमको मिलेगी, और अगर ऑफलाइन चले जाता है तो हम सभी को पता यार इसकी जो प्राइस है वो आसमान यहां पे छू लेगी। अब यहां पे बात करते हैं इस टाइम के मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है Samsung Galaxy M31s। इस फोन के बारे में मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही वीडियो बना के बता दिया था, काफी सारी चीजें बताई थी। हाँ वहां पे मैंने जो फास्ट चार्जिंग है वो 15 वाट की कही थी, लेकिन यहां पे हमको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम सभी को पता है 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, पंच होल वाले डिस्प्ले मिलेगी, एमोलेड पैनल मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलेगा, और एक जगह एक बात आप लोगों ने हर जगह सुनी होगी, मैंने भी आप लोगों को बताया है यार कि यहां पे हम लोगों को पंच होल वाले डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन इस टाइम पे Amazon के ऊपर इस फोन का जो नया पोस्टर यहां पे आया है, यहां पे आप लोग देख सकते हो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हमको साइड माउंटेड वाला देखने को मिलता है। जी हां, और ये मैं अपनी तरफ से भी नहीं कह रहा हूं यार, जो चीजें हैं जो ऑफिशियली चीजें हैं वो आप लोगों के सामने है, और यार ऐसा होता है तो मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों का यहां पे दिल टूट चुका होगा, बट अभी क्या करें यार, इस फोन में हमको प्रोसेसर भी वही मिलता है Exynos का 9611, कैमरा भी यहां पर 64 मेगापिक्सल का सेम मिलता है, कुछ एक नए फीचर हमको मिल जाएंगे। हां यहां पर अल्ट्रावाइड कैमरे के बारे में कहा जा रहा है कि 12 मेगापिक्सल का मिल सकता है, इसके अलावा बैटरी डिजाइन वगैरह सब कुछ हमको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। डिजाइन की बात करता हूं तो कलर में यहां पे थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं, यानी कि कुछ ग्रेडिंग कलर का पैटर्न हमको इस फोन के साथ में मिलेगा पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में ही। तो अब आप लोगों का इस फोन के बारे में क्या ओपिनियन है यार, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और यार मेरे हिसाब से यार इस फोन में और Samsung Galaxy M31 में कुछ ज्यादा यहां पर चेंज नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ अपग्रेड हम लोग इसको Samsung Galaxy M31 को यहां पर नहीं कह सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है यार, आप लोगों के वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना, साथ ही पहली बार चैनल पर आए हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि आप लोगों को हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।